हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम करेंगे आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। इसकी हम एक्सरसाइज 13.2 रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आज हम आगे वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में भी बहुत सारे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो आज की वीडियो पूरा कम्प्लीट देखिएगा इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.2 का। अब यहाँ पर है पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। तो आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाली शेप है रेक्टेंगल की शेप में, दिस इज द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेंस। तो यहाँ पर ये जो क्यूबॉइड के अंदर ये जो डिप्रेशंस बनी हुई हैं, दीज आर यूज टू होल्ड द पेंस। तो बेसिकली हमारे पास एक क्यूबॉइड है। सिंपल सा एक फिगर अगर बनाना चाहें तो वो इस तरह से होगा। ये सिंपल एक क्यूबॉइड है और इसके अंदर ये जो चार हैं, दीज आर कॉनिकल डिप्रेशंस हैं, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर, तो दो तरह की हमारे पास यहाँ पे फिगर है, एक क्यूबॉइड है और हमारे पास कॉनिकल डिप्रेशंस हैं, कोन है, सिंपल लिख सकते हैं। को क्यूबॉइड के लिए जो लेंथ गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, मतलब कॉनिकल डिप्रेशंस का जो रेडियस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4, यानी कि हाइट ऑफ दिस इज 1.4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, उसमें से ये जो चार कॉनिकल डिप्रेशंस का जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम माइनस कर देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5, का 10 नीचे उतार लिया तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गए, 15 और 35 दैट इज इक्वल टू 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कितने कॉनिकल डिप्रेशंस का निकालना है, 4 कॉनिकल डिप्रेशंस का हमें निकालना है। तो जो भी कोन का हमारे पास होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, 1/3 πr² h, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, रेडियस की वैल्यू है 0.5, तो 5/10 लिख रही हूँ एंड h है यहाँ पर 1.4 का 10 हमने नीचे लिख लिया। चाहे तो आप इसको h1 और h2 लिख सकते थे, ठीक है, अगर हमें इकट्ठा फॉर्मूला पुट करना होता तो। अब सिंपल हम सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले कि क्या क्या कटिंग हो रही है, 7 1s are 7 2s are 14, देन वी हैव 2 1s are 2 5s are 10, 5 5 कैंसिल, 5 1s are 5 2s are 10, 2 1s are 2 11s are, देन वी हैव 2 2s are 4 2 5s are 10, सो वी आर लेफ्ट विद 2 multiplied by 11 दैट इज 22, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, 3 और यहाँ पर 5, तो ये आ गया 22/15, ठीक है। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका कॉनिकल 4 कॉनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.47। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है, 1.47 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, 525, उसमें से 1.47 माइनस कर दिए, तो आंसर इज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, ये इन्वर्टेड कोन बना रखा है मैंने, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है कोन की, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो मैंने कोन के रेडियस को नाम दे दिया है R1, 8 5 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर।
देन इट इज फिल्ड विद वॉटर अप टू द ब्रिम, इस इन्वर्टेड कोन में पानी है, ठीक है। वेन लेड शॉर्ट्स, ये जो हैं छोटे छोटे ये लेड शॉर्ट्स हैं, इनकी शेप कैसी है, स्फीयर है ये, ठीक है, छोटे छोटे, और उनका रेडियस कितना गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने R2 नाम दे दिया, रेडियस अलग अलग थे इसलिए दोनों के R1 R2 आपको नाम देने ज़रूरी हैं। देन अब उसने कहा कि जब ये लेड शॉर्ट्स ये इन्वर्टेड कोन में डाले जाते हैं तो पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, तो 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो बाहर आ जाता है। हमें फाइंड आउट करना है कितने लेड शॉर्ट्स जो हैं वो इस वेसल के अंदर हैं, कितने ड्रॉप किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों का वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले है 1/3 πr² h, ये कोन का हो गया, R1 लिखेंगे यहाँ पर, और स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 πr³, यहाँ पर R2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी पहले, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है हमें, लेट नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स बी एन, हम मान लेते हैं कि हमने एन नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स जो हैं वो इस वेसल के अंदर डाले हैं। तो जब हम लेड शॉर्ट्स डालते हैं तो एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन जो है स्फेरिकल लेड शॉर्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, जब हम एन नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉर्ट्स इसमें डालेंगे तो कितना पानी बाहर आता है, 1/4 ऑफ वाटर कम्स आउट, कहाँ से आता है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ, ये कौन सी शेप का है, कॉनिकल शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन अ वेसल, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, मतलब इधर यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। एन नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स डाले, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉर्ट इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द वेसल। अब यहाँ से वॉल्यूम्स पुट करिए, n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड स्फेरिकल शॉर्ट दैट इज 4/3 πr² का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फिल्ड इन द वेसल दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज पुट कर दिया, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन का और यहाँ पर मैंने पुट किया है वॉल्यूम ऑफ लेड स्फेरिकल शॉर्ट का। अब हम इसमें वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, वो आप देखिएगा ध्यान से इसको मैं किस तरह से सॉल्व करती हूँ। तो ये मैंने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट डाउन करी हैं, कैसे, n इंटू 4/3 πr मैंने ऐसे रहने दिया, R2 की वैल्यू थी 0.5, तो 5/10 5/10 5/10 तीन बार क्योंकि क्यूब है, देन 1/4 राइट साइड पे, 1/3 πr ऐसे ही, R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू थी हमारे पास 5 5 × 5 दो बार लिखा, देन 8। अब इसकी कटिंग करेंगे, अब कटिंग कैसे करनी है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, ये एक 5 से एक 5 कैंसिल, ये दूसरे 5 से दूसरा 5 कैंसिल, आमने सामने इस तरह से कैंसिल हो सकते हैं बट वो न्यूमरेटर में ही होने चाहिए, ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, अब ये 3 डिनोमिनेटर में है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, 5 1s are 5 2s are 10, 2 1s are 2 2s are 4, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बच रहा है n मल्टीप्लाई बाय 2, ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब राइट साइड पे चेक करते हैं, 4 1s are 4 2s are 8, तो 2 बच रहा है सिर्फ, अब ये 2 और 2 आमने सामने कैंसिल हो गए, तो राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ है, अब हमारे पास सिर्फ 1 है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। तो 100 लेड शॉर्ट्स आर प्रेजेंट इन द वेसल, मतलब नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल आर 100। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है दैट इज गिवन अस 220 सेंटीमीटर, ये हो गया सिलेंडर उसकी हाइट। देन बेस डायामीटर इज, डायामीटर आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, विच इज़ सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह से ये ऊपर बना हुआ है, इसकी जो हाइट है दैट इज 60 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि दिस इज सिलेंडर 1 एंड दिस इज सिलेंडर 2, ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब सिलेंडर 1 के लिए जो हाइट गिवन थी दैट इज 220 और साथ में डायामीटर गिवन है 24,
तो इसका जो रेडियस आएगा दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। अब दूसरे सिलेंडर के लिए हाइट जो है दैट इज़ 60 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। दो दो चीज़ें हैं सो इसलिए हम इसको H1 मानेंगे, H2, R1, R2, ठीक है। आगे क्या कहा है उसने, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मास तो तभी निकलेगा जब वॉल्यूम पता होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का दे रखा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो हम कैसे करेंगे, टोटल वॉल्यूम जो है हमारा दैट इज़ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर 1 के लिए R1 और H1 और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो R2 H2, ठीक है। अब आगे कैसे करना है सॉल्व, पाई कॉमन ले लो, अंदर आ गया हमारे पास R1 स्क्वायर H1, R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो पाई हमने यूज़ करनी है 3.14 ऑलरेडी हमें गिवन है, देन R1 स्क्वायर, R का स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H कितनी है 220 प्लस H, R2 कितनी है 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H2 दैट इज 60। अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आगे मैंने इस तरह से सॉल्व किया है, 12 का स्क्वायर हो गया 144 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, फर्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 31680 आएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 60 3840, प्लस किया 35520, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ी कैलकुलेशन लॉन्ग है, स्टेप बाय स्टेप ही करनी पड़ेगी आपको। देन उसके बाद उसने क्या कहा था, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ 8 ग्राम मास, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के पास कितना ग्राम मास है, 8 ग्राम मास है, तो हमारे पास कितना आया है इतना, इसको इससे सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है।